हिंदी दिवस पर हम चर्चा करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन में हिंदी पत्रकारिता की भूमिका की, तथा नमन करेंगे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद एवं बिस्मिल के एक पत्रकार साथी को जिनका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। साथियों, भाषा तो अभिव्यक्ति का एक माध्यम मात्र होती है, परंतु यह माध्यम यदि आपके अंतरतम से निकलने वाली भाषा है, आपकी अपनी भाषा है, तो यह अभिव्यक्ति किसी भी अन्य माध्यम से ज़्यादा सशक्त हो जाती है। 14 सितंबर 1949 या 1949 में संविधान सभा ने राजभाषा के रूप में एक स्वर में हिंदी को दर्जा दिया। हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ हिंदी भाषी क्षेत्र में तो होना ही था, लेकिन हम ये देखते हैं कि राजभाषा का दर्जा मिलने से कहीं पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल चुका था, क्योंकि हिंदी पत्रकारिता का सबसे पहला पत्र उत्तंड मारतंड 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। यह किसी हिंदी भाषी क्षेत्र से नहीं प्रकाशित हुआ था। 1829 में पुणे समाचार सुधा और बंगदूत प्रकाशित हुए। 1850 से 1857 के बीच बंबई, कलकत्ता, पटना, भोपाल, जबलपुर, बनारस से पत्र पत्रिकाओं की एक निकलने वाली झड़ी सी लग गई, और अधिकांश ये था कि हिंदी में जो भी पत्र पत्रिकाएं निकलती थीं या किसी भी वर्नैक्युलर लैंग्वेज में जो भी पत्र पत्रिकाएं निकलती थीं वह अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध होती थी, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध होती थी। इसीलिए 1878 ईस्वी में अंग्रेजों को वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट लाना पड़ा, जिसमें कि हिंदी या वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस में निकलने वाली पत्र पत्रिकाओं के ऊपर काफ़ी रोक लगा दिए गए, और उनको करीब करीब लगभग समाप्त कर दिया गया कि वो राजनीतिक विषयों पर कोई भी लेख नहीं लिख सकती हैं। परंतु 1882 में इस एक्ट को रिपील करना पड़ा। 1882 में हमने एक्ट को रिपील तो कर दिया, लेकिन 1880 में ही हमने अपने आईपीसी या इंडियन पैनल कोड में दो सेक्शंस जोड़ दिए, 124A तथा 153A, जिसके अंतर्गत राज्य के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध, किंग के विरुद्ध कुछ भी कहना, लिखना या करना दंडनीय अपराध हो गई। इसीलिए प्रेस लगातार करीब करीब बंद ही कर दी जाती थी, जैसे ही कुछ लिखते थे तुरंत उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। लेकिन फिर भी अंग्रेजों को 1908 में पुनः न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट एक्ट लाना पड़ा, और 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट लाना पड़ा, जिससे कि हिंदी पत्र पत्रिकाओं के ऊपर अंग्रेजों का वर्चस्व रहे, और जो भी आर्टिकल या उनको लेख ऐसा लगे कि उनके विरुद्ध है उसको वो रोक दें। 20वीं शताब्दी में जहाँ एक तरफ ये एक्ट आ रहे थे, उसी के साथ साथ दूसरी तरफ पत्र पत्रिकाओं की एक झड़ी सी लग गई थी। कानपुर से प्रताप व भविष्य, वाराणसी से अज तथा अभ्युदय, खांडवा से कर्मवीर, आगरा से सैनिक, कलकत्ता से विश्वमित्र तथा भारत मित्र, इलाहाबाद से स्वराज, बंबई से सावधान भारत, जबलपुर से लोकमत, लाहौर से मिलाप, इत्यादि कुछ राजनीतिक विषयों पर अच्छे निकलने वाले पत्र पत्रिकाएं थीं। जब कोई भी इनमें आर्टिकल निकलता था तो पत्र तुरंत सील कर दी जाती थी, पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया जाता था। लेकिन उसके बाद भी इसमें न क्रांतिकारी आंदोलन में कहीं कमी आई और न ही पत्रकारिता में किसी प्रकार की कोई कमी आई। इलाहाबाद से निकलने वाला पत्र स्वराज
तो मात्र 4 वर्षों में उसके 8 संपादक गिरफ्तार हुए और सबको 10-10 वर्ष से ज़्यादा की कैद हुई, लेकिन फिर भी उन लोगों ने लिखना नहीं छोड़ा। एक बार प्रेस बंद कर दी जाती थी और सारी गिरफ्तार कर लिया जाता था, लेकिन जैसे ही ये लोग निकलते थे दुगने जोश से और दुगने उत्साह से ये पुनः लेखन प्रारंभ कर देते थे। 1913 में गणेश शंकर विद्यार्थी जी, जो कि क्रांतिकारियों के साथ मिलकर बहुत से काम कर रहे थे, उन्होंने अपना एक साप्ताहिक पत्र शुरू किया कानपुर से, जिसका नाम था प्रताप। इसके पूर्व विद्यार्थी जी लेख अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में लिखते थे। इनके लेख से प्रभावित होकर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें अपनी पत्र सरस्वती में सह संपादक के रूप से नियुक्त किया। परंतु सरस्वती मूलतः एक साहित्यिक पत्रिका थी और उसमें विद्यार्थी जी को ज़्यादा आनंद नहीं आया, तो फिर ये चले गए बनारस और वहाँ पर अभ्युदय में काम करने लगे। लेकिन अभ्युदय के बाद 1913 में इन्होंने प्रताप प्रारंभ किया। प्रताप का जब उद्घाटन अंक या इनॉग्रल इशू था, उसके लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको आशीर्वचन स्वरूप मैथिली शरण गुप्त की रचित एक कविता भेजी, जो हम सब जानते हैं। और वह कविता थी, जिसको न निज गौरव तथा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निराह है और मृतक समान है। अपमान से दुत्कार से हो तान मन भी म्लान है, कैसे कहे कोई उसे वह मानवी संतान है। तो इसकी जो ऊपर की 2 पंक्तियां हैं, उन्हें ब्रह्म वाक्य के रूप में गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने ग्रहण किया और वह उनकी प्रत्येक प्रति में ऊपर छापा जाने लगा। इसलिए हम ये स्पष्ट देखते हैं कि हिंदी पत्रकारिता, जिसे एक कहा जाता है कि एक पत्रकारिता को एक फोर्थ स्टेट के रूप में रहकर निष्पक्ष खबरें देनी चाहिए, लेकिन हिंदी पत्रकारिता निष्पक्ष नहीं रही, उसने पूरी की पूरी वह क्रांति की पक्षधर हो गई। एक ओर वह जो क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे होते थे उनकी सूचना भेजते रहते थे, लोगों तक वो समाचार पहुंचाते रहते थे, और दूसरी ओर ऐसे ओजपूर्ण काव्य और लेख अपने पत्र पत्रिकाओं में छापते थे, जिससे दुगने जोश से जनता इन क्रांतिकारी आंदोलन में फिर से सशक्त हो जाए। 1916 में लखनऊ में विद्यार्थी जी की मुलाकात गांधी जी से हुई और यह गांधी जी से बहुत प्रभावित हो गए, और 1917-18 में होम रूल आंदोलन में इन्होंने खुलकर हिस्सा लिया। चंपारण आंदोलन की सारी खबरें यह नित्य अपने प्रताप में छापा करती थी। 1920 में कानपुर कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल तथा रायबरेली किसानों के उत्पीड़न की खबरें इन्होंने निरंतर अपने अखबार में छापी और इनमें काफ़ी सक्रिय भाग भी लिया। इनकी इन गतिविधियों से परेशान होकर 1920 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1922 में इन्हें छोड़ा गया, परंतु फिर कुछ माह बाद इनको पुनः क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण पकड़ लिया गया और जेल के अंदर पहुंचा दिया गया। इनकी जो प्रेस थी प्रताप, उसकी कमरे के नीचे एक तहखाना था जो क्रांतिकारियों के छुपने का अड्डा था। इसमें एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जिसमें सब क्रांति की किताबें चारों तरफ से, जितना क्रांति का मटीरियल होता था, रशिया से, आयरलैंड से, फ्रांस से, वो सब इस कमरे के अंदर आता था और क्रांतिकारियों को समय समय पर दिया जाता था पढ़ने के लिए और नए क्रांतिकारी बनाए जाते थे। इनकी प्रेस की जो नीली स्याही होती थी, उस स्याही के नीचे ही बारूद भी रहती थी, जो कि क्रांतिकारी जब आवश्यकता होती थी बम बनाने के लिए प्रयोग करते थे। परंतु पुलिस किसी भी छापे में न तो इनके तहखाने तक पहुंच पाई
और न ही इनकी बारूद को कभी वह देख पाई और छापे में उसको सील कर पाई। इस तरह से इनकी गतिविधियां चलती रहती थीं। 1925 में भगत सिंह पंजाब से आकर कुछ दिन छुपकर रहना चाहते थे घर वालों से, तो इन्होंने बलवंत सिंह संधु के नाम से प्रताप में लेखन प्रारंभ किया और कुछ वर्ष तक लिखते रहे। 1925 से 27 के बीच में काकोरी कांड के जो अभियुक्त थे रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, उनको इन्होंने पूरी तरह से समर्थन दिया और 1925 सितंबर में जब काकोरी के इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई तो प्रताप की हेडलाइंस थी, देश के नर रत्न गिरफ्तार। 1925 में इन्होंने जब कांग्रेस ने डिसाइड किया कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव होंगे, तो इन चुनावों में इन्होंने स्वराज पार्टी का जमकर प्रचार किया और कानपुर से उन्हें भारी मतों से विजय मिली, जिससे 1925 से 1929 तक यह यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी रहे। 1928 में इन्होंने मजदूर सभा का गठन किया और 1929 में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुन लिए गए, परंतु इनकी गतिविधियां क्योंकि रुकती हुई नहीं नज़र आ रही थी, इसीलिए 1929 में इन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया और 9 मार्च 1931 को जब गांधी इरविन पैक्ट के तहत यह निर्णय लिया गया कि सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ा जाएगा, तभी विद्यार्थी जी को भी जेल से बाहर आने का मौका मिला। इन्होंने न केवल स्वयं लेखन किया और पत्रकारिता में रुचि ली, वरन अपने अन्य साथियों के भी लेखन प्रतिभा को चमकाने का इन्होंने लगातार काम किया। भगत सिंह के गुरु यही कहे जाते हैं जिन्होंने उनकी लेखनी को चमकाया, और भगत सिंह का वो जो शेर है, जो सबसे प्रसिद्ध शेर उनका कहा जाता है कि इन्हीं का लिखवाया हुआ था। और एक बालकृष्ण शर्मा नवीन तथा माखनलाल चतुर्वेदी इन्हीं के बनाए हुए दो ऐसे पत्रकार थे जो इनकी मृत्यु के बाद भी जिन्होंने प्रताप को संभाला। 23 मार्च को हम सब जानते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हो गई और देश में जब ये खबर फैली 24 मार्च की शाम तक, तो चारों तरफ दंगे भड़कने लगे और कई लोगों का विरोध गांधी से भी था और कई लोगों का विरोध सरकार से भी था कि भाई भगत सिंह जैसे आदमी को फांसी क्यों मिली। लेकिन इन्हीं दंगों को शांत करने के लिए विद्यार्थी जी आए और उसी समय उन्होंने उन्हें बाल जो ये कविता थी जो पुष्प का समर्पण, वो इन्होंने अपने अखबार में छापी और वह कविता थी, मुझे तोड़ लेना बनमाली और देना उस पथ पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। और लगता है यह कविता, जिसे कहते हैं कि उनकी डेस्टिनी, बता रही थी कि जब उनके सभी साथी, चाहे वो भगत सिंह हो, राजगुरु हो या सुखदेव हो, उन्हें फांसी मिल गई, चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को एल्फ्रेड पार्क में मार लिया, बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह जी को भी फांसी मिल गई, तो अब उनके जीवन का क्या महत्व। तो उनके जीवन में उन्होंने पुष्प की अभिलाषा के साथ स्वयं अपने लिए भी यही अभिलाषा की कि जिस पथ पर मेरे अन्य साथी गए हैं, मुझे भी उसी पथ पर फेंक दो। और यह एक तरह से प्रोफेटिक हो गई उनके अपने विषय में। 25 तारीख को जब चारों तरफ दंगे फैले हुए थे और तब कानपुर के सभी बाजार और प्रतिष्ठान इत्यादि बंद कर दिए गए थे, पूरे देश में करीब करीब वर्चुअल लॉकडाउन ही था, जैसा हम आज कोविड के समय देखते हैं। उस लॉकडाउन में सरकार पूरी तरह से जुटी हुई थी कि किसी तरह से ये लॉकडाउन खत्म किया जाए, बाजार इत्यादि खुलवाए जाएं।
तो कानपुर के एक बाजार को उन्होंने जबरदस्ती खुलवाने का प्रयत्न किया। जैसे ही खुला वहां पर फिर दंगे होने लगे, और दंगों को शांत करने के लिए विद्यार्थी जी और उनके साथी उस क्षेत्र में गए। उसी दिन प्रातः विद्यार्थी जी ने एक पत्र लिखा था श्रीमती गोयनका को, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि बहन जी, दंगे नियंत्रण में है और पूरी तरह से नियंत्रित तो हो सकते हैं अगर सरकार चाहे, लेकिन सरकार की मंशा ही नहीं दिख रही कि ये दंगे शांत किए जाएं। और सचमुच यही हुआ, विद्यार्थी जी तथा उनके साथी कब मारे गए, कैसे मारे गए, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। इतिहास में कोई गवाह नहीं है। कुछ लाशें मिली जिन पर छुरे के निशान थे, और उन्हीं में से एक लाश पहचानी गई कि ये विद्यार्थी जी की लाश है। लेकिन पुलिस ने न यह पता लगाने की कोशिश की कि यह छुरा उनको किसने मारा था, उनका कत्ल करने वाला है कौन, या यूं कहिए कि उन्होंने अपने गुनाह को अंग्रेजी सरकार ने छुपाने की कोशिश की। और जो हमें हमारे यह अंतिम साथी इस कड़ी में बचे थे, उनका भी अंत हो गया। और उनका अंत उसी तरह से हुआ जैसे जो हम भगत सिंह के शेर की बात कर रहे थे कि उन्हें यह फिक्र है, देखें नई शोहज़े जफा क्या है, हमें यह शौक है, देखें सितम की इम्तिहा क्या है। तो सितम की इम्तिहा हमने अंग्रेजों की तरफ से देखी, और उस इम्तिहा को सहने का शौक अपने पत्रकारों की तरफ से देखा। जय हिंद।